ना भैया 50,000 ना चाहिए, मेरी शादी करवा दे कैसे भी। ओ भैया तेरी शादी करवाऊंगा एक महीने के बाद। हाँ एक महीने के बाद। चल ठीक है, तो ठीक है भैया। जब सिर से पानी गुजर गया है ना, तब बोला है मैंने। इतनी परेशानी क्या, उसने मुझे बताया तक नहीं। बच्चों भी चले ने धोखा दिया है हमें। हेलो, राम राम जी। राम राम की माँ बोली। अभी क्या हुआ? 12 बजे हो गई। 12 लड़के शाम से घर आ रही है। अभी मुझे तो कुछ बताना है। अब पता नहीं क्या करूँ, मेरी लड़की की जिंदगी खराब कर दी। अभी तुम ऐसी बात मत करो। अभी आप ऐसा करो, अपने समझी को फोन करो। ठीक है, मैं अपनी समझी की बात करूँ। और हाँ जल्दी आओ। ठीक है जी, मैं अभी आता हूँ। अभी सम्पन जी राम राम, क्या हुआ? ये मेरे 12 बजे कालाड करा दी। 12 लड़के सुल्तान से घर आ गई है। अब मैं तो घर से बाहर हूँ, मुझे ना पता। तुझे सब पता है। अब देख तेरे पे ऐसी कैसी कर। मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ आके क्या करेगा? आ रहा हूँ। मुझे तुम बहू से मिलवा। बाला किससे नहीं मिलना चाह रही? अंकल जी हर बात की सीमा होती है। बाला जैसी पढ़ी लिखी लड़की को ऐसी ससुराल मिलना बड़े शर्म की बात है। मैंने बड़ा पैसा खर्च करा बाला की पढ़ाई में। बिल्कुल सही बात। हाजी अरे गलती मैंने यूं सोचा कि नालायक चोखे है, अगर इसको पढ़ी लिखी के साथ ब्याह हो जाएगा इसका तो थोड़ा सुधर जाएगा, पर ना सुधरा। मैं बहुत से माफी मांगना चाहूँ। बाला किसी से नहीं मिलेगी। अंकल जी आप मेरा कहना मानो तो आप बाला को सर्विस करने दो, पढ़ी लिखी है। चाहूँ तो मैं भी हूँ, पर हमारा गांव शहर से बहुत दूर दूर है। अब एक बात और है, जो बहु कमाल लग गएगी तो जो चोक है ना नाला है वो और आवारा हो जाएगा कि वो उसको तो कि नॉर्मल है। लेकिन पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? क्या माँ बाप इसीलिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे पैसा खर्च करते हैं? आज ही तुम खुद ही बता दो कि ऐसे हालात में क्या हो सके है? समस्या है तो समाधान भी है, वो दूसरी बात है कि दिखाई नहीं दे रहा है। एक आइडिया मैं बताऊं? हाँ बताओ। तुम सभी पढ़ने वालों को अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है। अच्छा, यानी तुम ये कहना चाहती हो कि बाला ट्यूशन पढ़ाने लगे? हाँ बिल्कुल गुड
यदि बाला चौकी और सास को चूसर बना दे ना तो सही होगा। तू सही कह रहा है, हैं? हाँ भाई हाँ। और मैं जो है बात करता हूँ, ठीक है ना? देखो जी, अब तुम जो है ना संधि बाला से मेरी बात करो। बाला बाहर गई है, वो खुद आ जाएगी। अच्छा जो तो फिर मैं घर जाके ना है ट्यूशन का माहौल बना शोर मत मचाओ। कॉफी में डाल लो। इतना लेट क्यों आई है? आगे से टाइम से आना, बैठ जाओ। बाजू के बगीचे में नीचे नीचे तहत तहत ऊपर ऊपर चुपके चुपके हुए हुए पाए जाते हैं पाए जाते हैं। मुझे ना पढ़ना। बहू मेरा मस्कारा देखा क्या? अरे बहरी सुन भी नहीं कुछ। अरे ये क्या देखेगी मस्कारा, ये तो काला डब्बा सा खोल के बैठी है। मुझे कुछ कह रही हो क्या? तेरा सिर। हे भगवान, इस पढ़ी लिखी बहू ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। अब पढ़ी लिखी हो तो लैपटॉप तो चलाऊंगी ना। जब देखे काटा पिटी करते रहे, कभी मोबाइल पे कभी इस डब्बे पे, पता नहीं क्या करती रहती है। ओफो मम्मी जी, आप बेकार में शोर मचा रही हो। मेरे चौखे का तो भाग फूट गया। फिर वही पुरानी बात, भैंस क्या कहती है बेचारे से क्या फायदा? फिर से तूने मुझे भैंस बोला। मैं भैंस हूँ? अरे नहीं बोला है, ये सिर्फ भावना है। क्या भावना है? तूने मुझे भैंस बोला है? अभी बात कराइए। क्या है? छोटे मामा का फोन आया। अरे क्या होगा? बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया। बड़े मामा का एक्सीडेंट हो गया? अरे चुप रहा, मैं सुन तो लूं पहले। हाँ ठीक है, आ रही हूँ। अरे बाबा सुन, ट्रेन तो जा पाए अवधा शाम। पर टिकट कहाँ से आएगी? वहाँ तो पाँव रखने की भी जगह ना है। क्या हो गया? अरे इसके बड़े भैया का एक्सीडेंट होगा। अब ये जाने को कैसे जावे? गाड़ी टिकट निकलवा ले, दो मिनट में भी आती हूँ। अरे ये कहाँ को जा रही है? ये अपने जेब से निकालेगी क्या टिकट? अरे सत्ता हर जगह अपनी खोपड़ी को मत इस्तेमाल कर, पढ़ी लिखी बहू है भाई। हाँ पता ना क्या कर रही। अभी ठहर जा। सुनो जी। हाँ बाला, ये पीएनआर नंबर है। आप दोनों के ट्रेन का टिकट निकल गया अवध आसाम मेल का, ठीक है? इसे सर्वे कैफे से निकलवा के ले जाओ। कन्फर्म हो गया है। अरे वो ये कैसे हो गया जी? सत्ता यूज तो पढ़ाई लिखाई का फायदा है। अरे वाह बाला, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब देख ले, एक मिनट में तेरी सारी समस्या हल कर दी भाई। बहू तेने वास्तव कमाल कर दी। अरे बहू, मुझे तो आज पता लगा कि पढ़ाई लिखाई का इतना फायदा है। मुझे भी पढ़ाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं आपको पढ़ा दूंगी, आप आराम से होके आ जाओ उसके बाद। लेकिन हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, सो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बहू, तू जैसा कहेगी मैं ऐसा करूंगी। मैं
पहले होके आ जाओ ठीक है। जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ चल चल। अरे सत्य ये स्कूल में बहू ना तेरी मास्टर नहीं है मास्टर नहीं पिटवा दिया ना बहू से। तो तू क्या समझ रही है कि यू आसान रहे है पढ़ना? पढ़ने के लिए मेहनत भी करनी पड़े डांट भी खानी पड़े। अब चाहे बहू है या वो मास्टर पढ़ना है तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरे चोके अरे तू भी पढ़ ले ये ले कॉपी पेन जा अरे जा जा ना। मुझे पढ़ाई की नीति को समझ में आ गया।
तो मुझे इंग्लिश भी सिखा दियो, ठीक है ना? ठीक है, इंग्लिश भी सिखा दूंगी। हाँ बहुत अच्छी है, वेरी गुड। हेलो डॉली बेटी। अंकल जी कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। चौके तो पढ़ने लगा है, सच तो भी पढ़ने लगी भाई। सचमुच पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, और खासकर लड़कियों की पढ़ाई। औरत हर घर की सबसे बड़ी मास्टरनी होवे है। पढ़ी लिखी माँ बच्चों के लिए किसी यूनिवर्सिटी से कम ना होती। हाँ और वायरल के साथ साथ ट्रेंडिंग में भी आना चाहिए। हर एक को पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हाँ।